योग आभार विस्तार को जाना जिसने सभी अतिथि गणों का, मैं अपने दिल की गहराइयों स्वागत करती हूँ। अंतरात्मा की तैयारियों के अंतर्गत आज आयुष विभाग के वर लगाया जा रहा है। आयुष विभाग की तरफ से मॉर्निंग वॉक योगा एसोसिएशन कठुआ ने आज हमें योग के लिए यहाँ, बल्कि शरीर और मन को संतुलन करने का एक अद्भुत विज्ञान है। हाल ही में एक शोध से पता चला है, योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि मानसिक स्तर पर होने वाली एंजाइटी डिप्रेशन के लिए बहुत कारगर है। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अंततः योग एक मेडिटेशन का अद्भुत विज्ञान है। आज के योग शिविर में आयुष विभाग से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर बोधपाल जी, डॉक्टर नितिन जी, डॉक्टर यशपाल जी और फार्मासिस्ट विपिन कुमार, और एनओ है हमारे साथ राजीव और रवि, और योग की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाएं हाथ से एड़ी को घुटने को लॉक करें। एड़ी का काउंटर पोज करेंगे। बाएं घुटने को मोड़ते हुए और दाहिने हाथ से लॉक करें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। धीरे से छोड़ते हुए वापस से सामान्य स्थिति में आएंगे। सभी अभिभावक कृपया करके पेट के बल ले जाएं। को एक दूसरे से दूर फैला लें और पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर दायां हाथ रखें, कर लें। और ये स्थिति मकर आसन कहलाती है। संगशत्वं जानता देवा भागम यथा पूर्वे संवेना।
संग नाना उपासते संग नाना। धीरे से अपनी आंखों पे लगाएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे, बहुत खोल देंगे। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें, ये अंगों को कमर पर रखें, श्वास को बाहर निकालते हुए सिर और श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाएं। अब हम करेंगे सांस को बाहर छोड़ते हुए और झुकाएं ताकि कान उठाने स्थिति में ले आए और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं, सिर को सीधा कर लें, श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर से ठोड़ी और कंधे एक बराबर आ जाएं और फिर सिर को सामान्य स्थिति में आए। चक्कर कर सकते हैं। अब हम करेंगे को आगे की ओर झुकाएं और घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। इस बार यानी कि नेक को घड़ी की विपरीत दिशा में भी घुमाएं। आराम से अपनी क्षमता के अनुसार घुमाएं, ज्यादा स्ट्रेच ना करें। बगल से अपनी दोनों भुजाओं को नीचे ऊपर उठाएं, हथेलियां ऊपर की ओर और हम हथेलियों को सिर से ये स्कंद खिंचाव है। अब हम करेंगे स्कंद चक्र, सीधे खड़े हो जाएं और चक्र आकार घुमाएं। इस प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार 3 से 4 बार चक्र करें, छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं जिससे कि दाईं और फिर पूर्व स्थिति में आकर चक्र कर सकते हैं और अभ्यास के बाद सम स्थिति में आ जाएं। और हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए सांस को अंदर ग्रहण करें, भुजाओं को ऊपर की ओर करके कंधों की एक सीध में ले आएं। अब पैर की एड़ियों को पृथ्वी से ऊपर उठाएं और पैर की थोड़ी देर रुकें और फिर वापस जमीन पर एड़ियां रखें और फिर आरंभिक स्थिति में आ जाएं। ये आसन शरीर को सुदृढ़ बनाता है और से संबंधित के रक्त को ठीक करने में आज पार्क कठुआ में योगा शिविर का आयोजन किया गया आज डिपार्टमेंट कठुआ की तरफ से, जिसमें हमारे साथ हमारे डॉक्टर नितिन जी, डॉक्टर जशपाल जी, डॉक्टर रेखा और जो हमारे योगा इंस्ट्रक्टर की पूरी टीम थी, जिन्होंने हमारे यहाँ ड्रीमलैंड पार्क में आने वाले शहरवासी कठुआ के मॉर्निंग वॉकर जितने भी थे और जो इनकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वगैरह और हमारे कठुआ की बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे डॉक्टर एके गुप्ता जी, डॉक्टर हरदेव गुप्ता जी, ये सारे इधर योगा का इन्होंने अभ्यास किया और इस योगा का लाभ उठाया। इसमें हमने इन सभी लोगों को योगा के बारे में बताया और उस पे अपनी सेहत को फिट रखने के लिए क्या आहार विहार लेना, इसके लिए भी हमने लोगों को अवेयर किया और ये हमने उस उपलक्ष में किया है कि 21 जून 2022 में 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है मनाया जा रहा है और ये इवेंट्स जो हमारे हैं पूरे कठुआ में चल रहे हैं। हम हर जगह जगह ये योगा शिविर जो है लगा रहे हैं और हम चाहते हैं कि पूरी
दुनिया जो है योग करे, निरोग रहे, फिट रहे, इसी के साथ धन्यवाद। आठवां इंटरनेशनल योगा डे जो चल रहा है उस संबंध में सोशल अपने आयुष डिपार्टमेंट ने कैंप का आयोजन किया जिदे मारनी वाकर के सहयोग के नाल और जितने भी साढ़े मारनी वाकर आए दे हैं उन्होंने हिस्सा लिया, चाहे वह डॉक्टर ए के गुप्ता जी हैं, चाहे हरदेव गुप्ता जी और सारे जितने भी मारनी वाकर ट्रस्ट के मेरे भाई और सीनियर जोड़े हैं। सो अज जिथे असी इस भाग दौड़ की जी सा जिंदगी है, क्योंकि असी हमेशा देखिए कि साड़ा जोड़ा खाण पीना है और साड़ी जिहड़ी अज बीमारियां, कोई शुगर है किसी नूं, कोई ब्लड प्रेशर है किसी नूं, हर तरह तरह दियां बीमारियां, लेकिन असी डॉक्टर दे कोल उस वक्त जाते हैं जिसले असी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर फिर सानूं कहिंदा कि तुसीं सैर करो, तुसीं योगा करो और तुसीं जिम जाओ, इधर जाओ, लेकिन ये जिहड़ियां बीमारियां ये अगर असी जिस वक्त स्वस्थ होंदे हां अगर उस वक्त ही असी सैर करिए और योगा करिए और अपने कसरत करिए तो उस नाल ये होगा कि सानू बीमारियां जिहड़ियां साडे नज़दीक नहीं आउणगियां। अज जिहड़ा आयुष डिपार्टमेंट ने कैंप लगाया, अज सारे मेरे मारनी वाकर के ब्रदर और रोड साइडर भी थोड़े जे आए दे सन विच, ते मैं इन्हां दा बहुत धन्नवाद करदा कि ये हर इलाके दे विच जाण और जगह जगह जाके कैंप लगान और साडे लोकां नूं ये अवेयरनैस देन। और मैं आखिर जी तुहाडा प्रेस मीडिया का भी धन्नवाद करदा कि जिहड़ी कि तुसीं आवाज़ जिहड़ी है ये जिहड़ी सोशल जिहड़ी एक्टिविटीज़ न और समाजिक जिहड़े भाईचारे दे काम ने इहदे विच तुसीं भी हिस्सा पाउंदे हो कि जिहड़ी ये आवाज़ है ये लोगों तक देश विदेश के अंदर सारी जाती है। सो इस नाल मैं सारे मारनी वाकर ट्रस्ट के ब्रदर और डॉक्टर्स और पूरी टीम का मैं धन्यवाद करदा। जय हिंद, जय भारत।